इत्तेहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज और INN 7 में आप सभी का खैर मकदम है। कोरोना का कहर आज भी जारी है। फिर से बेलगाम जिला में 270 के करीब पॉजिटिव पाए गए तो 10 के करीब मौतों की खबर हासिल हुई है। बेलगाम में वैसे तो एक ही तस्दीक की गई है। यह भी सच्चाई है कि जहां कहीं अंजुमन की जानिब से ऑक्सीजन और इलाज की वजह से मरीजों में सुधार भी होता दिखाई दे रहा है, दीगर इलाकों में भी कुछ सामाजिक तंजीमों की जानिब से मरीजों के इलाज पर तवज्जो दी जा रही है। पूरे मुल्क में कोरोना मरीजों की तादाद काफ़ी तेज़ी से बढ़ती दिखाई दे रही है। हासिल इत्तला के मुताबिक राम मंदिर के साधुओं को भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया और राम मंदिर की दिफा के लिए लगाए गए पुलिस अफसरों का भी टेस्ट पॉजिटिव पाया गया। सवाल तो यह भी उठाया जा रहा है कि क्या राम मंदिर की तामीर या संग बुनियाद रखने से पहले ही सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस के बुजुर्ग कायद दिग्विजय सिंह ने भूमि पूजन के मुहूर्त पर सवाल करते हुए कहा कि भूमि पूजन यानी कि संग बुनियाद को वज़ीर दाखला यानी गृह मंत्री अमित शाह के कोरोना पॉजिटिव होने से जोड़ा जा रहा है। दिग्विजय सिंह का कहना है कि अमित शाह और मंदिर के पुजारियों का कोरोना मुतासिर होना सनातन धर्म और हिंदू मजाहिब की तहजीब रस्म और रिवाज की बेअदबी का नतीजा है, जो इन्हें कोरोना हुआ है। साबित वजीर आला और रुकन पार्लियामेंट दिग्विजय सिंह ने ट्वीट के जरिए कहा कि राम मंदिर की तामीर हिंदू तहजीब को अनदेखा कर किया जा रहा है। उन्होंने यह भी मशवरा दिया कि वजीर आजम मोदी इस इजलास में शरीक ना हो क्योंकि यह वक्त काफी मनहूस है यानी कि अशुभ घड़ी है, लिहाजा इसे मुलतवी किया जाए, यह देश के हक में बेहतर होगा। उन्होंने बार बार इल्जाम लगाया कि जो भी पॉजिटिव पाए जा रहे हैं इसके पीछे राम मंदिर तामीर की जल्दबाजी है, मनहूस वक्त पर यानी अशुभ वक्त पर तामीरी काम की इफ्तिताह का नतीजा है। राम मंदिर के तमाम पुजारी पॉजिटिव पाए गए। उत्तर प्रदेश की वजीर कमला रानी की कोरोना से मौत। उत्तर प्रदेश के भाजपा रियासत सदर कोरोना पॉजिटिव, अस्पताल में जेरे इलाज। भारत के वजीर दाखला गृह मंत्री खुद अमित शाह कोरोना पॉजिटिव, अस्पताल में दाखिल। मध्य प्रदेश के भाजपा के वजीर आला भाजपा के रियासती सदर कोरोना पॉजिटिव, अस्पताल में। कर्नाटक के भाजपा के वजीर आला कोरोना पॉजिटिव, अस्पताल में दाखिल जेरे इलाज। दिग्विजय सिंह का कहना है कि भगवान राम करोड़ों हिंदुओं की आस्था का मरकज है और हजारों सालों की हमारी तहजीब के साथ यह खिलवाड़ मत कीजिए। उन्होंने लिखा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी से फिर गुजारिश करता हूं कि 5 अगस्त के अशुभ यानी मनहूस मुहूर्त को ताल दिया जाए। सैकड़ों वर्षों के संघर्ष के बाद यानी कि जद्दोजहद के बाद भगवान राम मंदिर का निर्माण का वक्त आया है। अपनी हठधर्मिता से इसमें खलल पड़ने से रोकी है, ऐसा भी मशवरा उन्होंने दिया है। दिग्विजय सिंह ने एक और ट्वीट के जरिए लिखा है कि मोदी आप मनहूस वक्त में राम मंदिर की संग बुनियाद रखकर और कितने लोगों को अस्पताल भेजना चाहते हैं, योगी जी आप ही मोदी जी को समझाइए, ऐसा भी उन्होंने कहा है। आपके रहते हुए सनातन धर्म की सारी मर्यादाओं को क्यों तोड़ा जा रहा है, यह भी आप देखिए। और आपकी क्या मजबूरी है जो आप यह सब होने दे रहे हैं। इससे यह साबित हो रहा है कि राम मंदिर की तामीर कई सारे अख्तलाफात को जन्म दे रही। कई सारे साधुओं ने भी इसकी मुखालफत की है। एक तरफ जहाँ शिलान्यास यानी संग बुनियाद पर तकरार जारी है तो कईयों ने कोरोना वायरस को ही रद्द किया हुआ है। डॉक्टर तरुण कोठारी की एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें उन्होंने तमाम बातों को रद्द करते हुए कहा कि कोरोना एक साजिश है और उन्होंने दावा किया कि अगर कोई इस बीमारी को आलमी वबा साबित करे उनसे मैं 1,00,000 इनाम दूंगा। कोरोना पॉजिटिव या नेगेटिव सभी झूठ है और अगर आप किसी जानवर या फ्रूट सब्जी का भी टेस्ट करवाएंगे तो वो भी पॉजिटिव निकल आएगा। कोरोना एक मामूली वायरस है जिसके बारे में डर फैलाया जा रहा है और कुछ लोग इससे फायदा उठा रहे हैं। इनका कहना यह भी है कि सैनिटाइजर मास्क भी झूठी कहानी का ही हिस्सा है। सोशल डिस्टेंसिंग का सबसे ज्यादा एहतमाम मस्जिदों में किया जा रहा है। ताज्जुब तो इस बात पर भी होता है कि सोशल डिस्टेंसिंग से नमाज तो पढ़ी जा रही है और जब बाहर निकलते हैं तो सभी भीड़ की शक्ल में निकलते हैं। आखिर क्या फायदा रहा सोशल डिस्टेंसिंग का। खैर डॉक्टर तरुण कोठारी ने इसे भी गलत साबित किया है। जहनी तौर पर इतना बीमार बनाया जा रहा है कि मरीज खुद डर के मारे मर रहा है। खैर कई सारे डॉक्टर साहब इसके खिलाफ बोल रहे हैं। तमाम तफसीलात यूट्यूब पर मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। अब दिल्ली के डॉक्टर का भी जिक्र जरूरी है। कहने का मतलब यह है कि आखिर क्या क्या कोरोना की आड़ में चल रहा है। कुछ डॉक्टर्स भाग गए हैं,
कुछ ने क्लिनिक बंद किया हुआ है, अपनी अलग गाइडलाइन आती जाती रहती है, आवाम परेशान है कि आखिर करे तो क्या करे। एक तरफ कोरोना महामारी पर मुख्तलिफ राय, तो दूसरी तरफ राम मंदिर को लेकर सियासत। आखिर देश के आवाम के बारे में सोचने के लिए क्या सियासी लीडरों के पास वक्त है या नहीं? क्या हर मामले में सिर्फ अपना मुफाद ही मोदी सरकार ढूंढती रहेगी? देश की गरीब जनता का इम्तिहान का वक्त आखिर कब खत्म होगा? क्या यही तमाशा देखने होंगे? ऐसे सवाल आवाम की जानिब से पूछे जा रहे हैं। अब देखना यह है कि सिर्फ धर्म के आड़ में दो वक्त की रोटी की जगह हमेशा की तरह लाइव आकर प्रधानमंत्री सिर्फ जुमले ही परोसते हैं या कुछ गरीबों के लिए ठोस इकदाम भी उठाते हैं। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।